ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप ये मान के चलिए कि इस हिसाब से है कि अगर एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अभी हमने पढ़ा, दूसरा पार्ट है इक्वेशन, तो ये मान के चलिए कि अगर आपके एग्जाम्स में दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन इक्वेशन से आएगा, एक क्वेश्चन रेशियो से आएगा। एनसीईआरटी में आपके पास तीन एक्सरसाइज हैं, चार एक्सरसाइज रेशियो पे हैं और एक एक्सरसाइज इक्वेशन में, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट 50-50 है मेरे हिसाब से। तो इक्वेशन की इंपॉर्टेंस अपने आप में उतनी ज्यादा हो जाती है। तो देखो जरा थोड़ा सा बेसिक देख लो इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होता क्या, ये समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें से? नो सर। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप सब लोग चेक कर लेना। और आपको मैंने वो बनाई दिया था उसमें गूगल क्लासरूम में, सबको आईडी मिल गया ना गूगल क्लासरूम का? यस सर। अभी इस हफ्ते हम कोशिश कर रहे हैं बस व्हाट्सएप पे करने की, अदरवाइज भी सारा का सारा डेटा उसी पे ही। अगर आप परसों की क्लास देखोगे तो परसों की पीडीएफ, परसों की तीनों वीडियो उस पे पड़ी हुई है और वो हमेशा रहेंगी अब। ठीक है, तो आपके लिए इजी है और वो उसी तरह से डेवलप होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छे से। तो आप कभी भी कोई से भी चैप्टर का असाइनमेंट, वीडियोस, पेपर सब उसमें से देख सकते रहेंगे। सर क्लास कोड किया इसका? हां जी क्लास कोड, क्लास कोड देखो, क्लास कोड नहीं मिला है या जिसको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है मुझसे दूर क्लास के बाद बात कर लेना है। ठीक है, पर्सनल मैसेज आप मुझे कर लीजिएगा या ग्रुप में कर लीजिएगा तो मैं आपको क्लास कोड वगैरह दे दूंगा। चलिए सर, सारे सब्जेक्ट्स के टीचर अब आपको उसी में कोड भेजेंगे। हमारे पास क्या है ये देखो, अब जरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है सर वो देख लीजिए।